हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ। अभी मैं एग्ज़ाम में मिले यूनिवर्सिटी में आया हूँ। अभी आपको यहाँ का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, क्या माहौल है। जो स्टूडेंट सोचते हैं कि अपना प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम में मिले यूनिवर्सिटी में आकर, उनकी चाहत होती है कि एग्ज़ाम में मिले यूनिवर्सिटी में उनको मौका मिले पढ़ने के लिए। मैं भी आपको थोड़ा यहाँ पर व्यू दिखाऊंगा, स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ रहे हैं, सब अपने डिस्कशंस कर रहे हैं, इधर उधर घूम के पढ़ाई कर रहे हैं, सब अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो मैं अभी अपने भैया के संग, नुमान भाई के संग आया हूँ। तो मेरे नुमान भाई हाय कर दीजिए। हाय भाई। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल। वीडियो पर बने रही, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कॉलेज के अंदर का माहौल, स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। बैठने की, रहने सहने की, पढ़ने की बहुत अच्छा माहौल है यहाँ कॉलेज का। फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं, सामने यूनिवर्सिटी का अंडर में है। जैसा आप देख सकते हैं, कोई स्टूडेंट लोग जा रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं स्टूडेंट लोग घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। चलिए हम लोग आगे से थोड़ा घूम के आते हैं। दोस्तों, जैसा देख सकते हैं, सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन साइंस जामी मिलिया इस्लामिया। स्टूडेंट लोग खुशियाँ मना रहे हैं, कहीं तक किसी का बर्थडे था, बर्थडे पार्टी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। किससे बात करोगे, किससे बात करोगे? खाली स्टूडेंट को दिखा कर वही कर रहे हैं। देखो कितना रिस्क ले रहे हैं आपके लिए। हम फ्रेंड्स, जामी मिलिया के अंदर आपको वराइटीज़ ऑफ एजुकेशन होते हैं। जैसे अभी हम लोग जहाँ पर आ रहे हैं वो सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये देख सकते हैं, फैकल्टी ऑफ लॉज है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेचर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन के रिलेटेड। जिस विद्यार्थी को पढ़ना जामी मिलिया में आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। हे गाइस, तो आप बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यूनिवर्सिटीज़ की पूरी चीज़ें बता दूँ, ताकि आप कोई भी कैंडिडेट या कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर अपना एजुकेशन्स, हायर एजुकेशन्स करना चाहते हैं, उनको उस वक्त दिक्कत ना हो। दोस्तों, जैसे सामने देख सकते, लगता है वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग हैं। ये और सामने जाने से पता चलेगा, स्टूडेंट लोग इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी माहौल है, आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। जूम कर दिया था, ये देख सकते हैं। अभी हम लोग जामिया मिलिया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अभी मैं आपको ये बोर्ड भी दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि हम लोग जामिया मिलिया यूनिवर्सिटीज़ में ही आए थे। ये सामने की बोर्ड है, ये देख सकते हैं। ये पार्क है, ये मुहिबुल हसन हाउस है। जैसा कि देख सकते हैं, स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं।
अपनी स्टूडेंट पढ़ कर निकल रहे हैं। हमें कोविड कोविड टाइम में बुलाया नहीं। क्या जैसा देख सकते हैं कि एरोप्लेन ऊपर से जा रही है, हम लोग जामिया मिलिया के दूसरे नंबर फ्लोर पर हैं, ये व्यू देख सकते हैं। गुलिस्तान गालिब, हम लोग बाहर निकल रहे हैं गेट से। ये भी जामी मीडिया की अंदर में बन रही है गेट नंबर, क्या खूबसूरत। ये देखते हैं डॉक्टर जाकिर हसन म्यूजियम। हाँ दोस्तों, जैसा देख सकते हैं यहाँ पर सामने लिखा हुआ वेलकम टू जामिया नगर, ये जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन से। यहाँ पर स्टूडेंट लोग खड़े होकर सेकेंडरी पी रहे हैं, बहुत स्टूडेंट जा रहे हैं। आज 5 सितंबर है जैसा, और टीचर्स डे थे। पूरी आपको एजुकेशन के माहौल मिलेंगे। ट्रैफिक जाम है दोस्तों। ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। यदि ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।